जो हमारे यहाँ यूज होते हैं घरों में, अगर वो उस साइज का भी है तो आप उसमें भी कर सकते हो, पतीले में बना सकते हो, ठीक है ना। इतना परेशान होने की, और पिज्जा पैन है, आप पतीली यार बना के पिज्जा पैन में भी बना सकते हो, ठीक है। जो यहाँ वो टार्ट का पैन आता है, जो हम को भी टार्ट बनाते हैं तो उसके पैन बड़े आते हैं ना, पाई वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, इसको प्रेस करके इसको अच्छे से नीचे जो है ना वो दबा देना है, ठीक है। अगर ये जरा भी लूज रहा ना तो ये पूरा, अब उसको जब बाहर निकालोगे तो वो पूरा जो है स्टार्ट हो जाएगा, ये खुल जाएगा। अब हमें प्रेस कर करके इसको अच्छे से जो है ना, क्लियरली नजर आ रहा है। किसी के कोई क्वेश्चन है? कोई भी स्पैचुला हो, कोई स्पून हो, फ्लैटिंग गेट या किसी भी चीज का, आप उससे इसको बिल्कुल फ्लैट कर दोगे, ठीक है, ताकि अंदर तक जो है वो प्रेस हो जाए। अच्छा, हमें इसको जो है मौजूदा चीज को भी मैं पूरा इसको जो है ना निकाल देती हूँ पानी से, ताकि इसका जो है सॉल्ट से जो है निकल जाए। अभी हमारे पास स्प्रे, अब हमें पूरा जो है उसको कद्दूकस करना है, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो मैं उसको जो है हाथ से फाइनली चॉप कर रही हूँ, ठीक है। आप जैसे घर में जो होगा तो आप कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है। क्लियरिटी सबको नजर आ रहा है? मौजूदा चीज को मैंने बिल्कुल बारीक से जो है वो चॉप कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रिक जो है मैं आपको स्टोव पे बनाना भी बताऊंगी और एक ओवन में भी बताऊंगी, ताकि अगर ओवन नहीं है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। और अब इसके ऊपर हम जो है इसको पोर करेंगे, जो हमने क्रीम बनाई है।